तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि Redmi जो है एक नया फ्लैगशिप डिवाइस लॉन्च करने वाला है, जिसकी पूरी उम्मीदें हमें लग रही थी कि Redmi का X इसका नाम होगा, लेकिन कंपनी की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि इसका नाम Redmi का X ना होकर Redmi का K20 Pro होगा, जो कि इस नाम से जो है लॉन्च होने वाला है चाइना में। और इसी के साथ कंपनी ने ये भी कन्फर्म किया है कि ये जल्द ही इंडिया में भी लॉन्च होगा। और आज की इस वीडियो में हम जो है इसकी लीक्स स्टिकर के द्वारा जो है सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस का रिवील यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बात करता हूँ, तो इसमें हमें 6.39 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर एमोलेड टच स्क्रीन होगा। और इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ फुल बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें हमें देखने को कोई भी नॉच नहीं मिलेगी। और इसमें हमें देखने को मिलेगा एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि रेयर साइड में कैमराज के साथ में पर आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन का 855 का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर होने वाली है। और वहीं अगर मैं बात करूं उसके कैमरास के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का मेन रेयर कैमरा, जो कि यहाँ पर आएगा सोनी के IMX586 के सेंसर के साथ में। और इसके साथ हमें फ्रंट में देखने को मिलेगा एक पॉपअप मैकेनिज्म वाला सेल्फी कैमरा, जो कि यहाँ पर 20 मेगापिक्सल का होने वाला है। और ये रेडमी की तरफ से पहला मोबाइल होगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा पॉपअप सेल्फी कैमरा। वहीं अगर हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलेगी 4000 mAh की बैटरी, जो कि 27 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के साथ में यहाँ पर आने वाली है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग जो है वो अराउंड से इंडिया में होने वाली 20 से 25 हज़ार के बीच में, क्योंकि रेडमी की तरफ से फ्लैगशिप डिवाइसेस की जो प्राइसिंग है वो इतनी ही होती है। और अगर हम इसके नेम के बारे में बात करें, तो इसका जो नाम है वो रेडमी का K20 Pro जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है। और इंडिया में अगर हम बात करें, तो शायद ये पोको के F2 नाम से जो है लॉन्च हो जाए। लास्ट में अगर हम बात करें इसके लॉन्च इवेंट के बारे में, तो चाइना में इसका लॉन्च इवेंट जो है वो देखने को मिलेगा 14 मई को। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया में इसके लॉन्च इवेंट के बारे में, तो इंडिया में ये लगभग इसके 1 या 1.5 महीने बाद जो है लॉन्च हो जाएगा। तो यही कुछ था रेडमी के K20 Pro, यानी कि रेडमी के X के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।